तो हेलो भाई, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो ग्रैंड आइटन होती है। मेरे पास ये मेरी गाड़ी है और अभी हम यहाँ पे कुछ गांव टाइप के एरिया में किसी काम से आए थे। और भाई रोड इतना ज़्यादा बेकार था कि अभी अपन देखेंगे वो भी। तो भाई आज बेसिकली मैं एक मतलब सस्पेंशन इसका ग्रैंड आइटन का लोग बहुत बोलते हैं कि मतलब अच्छा है, मतलब ऐसी ख़राब सिटी मतलब सिटी रोड्स पे जो गड्ढे वगैरह होते हैं उस पर तो बढ़िया, बाकी जो हाईवे होता है हाईवे पे थोड़ा से बम्प खाती गाड़ी, मतलब हल्के हल्के बम्प होते ना हाईवे पे, तो उसमें गाड़ी थोड़ा ज़्यादा मतलब ऐसी ऊपर नीचे झूले खाती है। तो वो सब तो भाई मेरे को कभी लगता नहीं है, पर बेसिकली आज जो ख़राब रोड होती है उस पर इस गाड़ी को भगा के देखने वाले, मतलब भगा के नहीं चला के देखने वाले कि गाड़ी कैसा परफॉर्म करती। क्योंकि अभी हम लगभग यहाँ से अपने घर से 60-70 किलोमीटर दूर आए हैं, तो 60-70 में से कम 30-40 किलोमीटर तो भाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब रोड था। तो गाड़ी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, मेरे को काफ़ी इम्प्रेस हुआ मैं इसके जो सस्पेंशन से। तो वही आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि इसके किस टाइप के सस्पेंशन है। तो भाई इसके बाद सीधा अपन रोड पे देखेंगे इधर की ख़राब रोड्स है। गाड़ी की आप कंडीशन भी देख सकते हैं, पूरी धूल वूल मट्टी वगैरह लग गई गाड़ी में। तो अब सीधा रोड पे देखेंगे भाई इसकी जो परफॉर्मेंस कैसी है। सो गाइस, यहाँ से निकलते ही कुछ इस टाइप का रास्ता आ गया था, मैंने वहाँ पर वॉइस ओवर नहीं किया, मतलब बोला नहीं, तो मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। बहुत ज़्यादा मतलब जो रोड की कंडीशन थी आप देख पा रहे हो यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो भाई गाड़ी ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया, अगर से मतलब आपको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि दूसरा मतलब मैं बाहर से जाके शूट नहीं कर सकता था वीडियो, क्योंकि मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, कोई दूसरा बंदा अपने साथ में नहीं था। बाकी गाड़ी मतलब आप साउंड वगैरह सुन के समझ रहे होंगे कि मतलब गाड़ी किस टाइप से जो गड्ढों से कूद रही थी। अपनी जो ग्रैंड आइटन है, ये ग्रैंड आइटन का स्पोर्ट्स मॉडल है 2017 वाला। सस्पेंशन पीछे का मतलब पीछे जो रियर सीट्स होती है उसका तो मैंने उतना ज़्यादा वहाँ पे वो नहीं किया, मतलब क्योंकि भाई मैं पीछे बैठा ही नहीं था। तो सामने तो भाई बिल्कुल बेस्ट लगा मेरे को, बिल्कुल बहुत ही कम जो बड़े गड्ढे होते हैं ना, सिर्फ उन पे बड़े भी नहीं, मतलब अब क्या बोलूँ, जैसे नॉर्मल टाइप के ना रोड्स पे देख पा रहे हो, मुझे हल्के हल्के से मतलब छोटे मोटे मतलब रोड पूरी उखड़ी हुई है। तो ऐसी जगह पे गाड़ी बिल्कुल बेस्ट लगती है भाई। बस इसका गाड़ी का सिर्फ मेरे को एक ही माइनस पॉइंट लगा, जो कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस 165 ग्राउंड क्लियरेंस आता है, जो कि मतलब भाई थोड़ा कम लगता है मेरे को ऐसे एरियाज के हिसाब से। गाड़ी बढ़िया परफॉर्म करी, सस्पेंशन वगैरह बढ़िया है गाड़ी का, और उधर से मतलब इतनी बिल्कुल आप जैसे शिकायत नहीं कर सकते गाड़ी में बैठ के, ऐसा इसका सस्पेंशन मेरे को लगा। बाकी वही मैंने आपको बताया जो लॉन्ग फेरेंस है उसके कारण गाड़ी लगभग आधे टाइम दो जगह टच हो गई थी, और बहुत बेकार सा लगता था। मतलब एक जगह तो बहुत जैसे जो पीछे की चेची होती ना वो टकर गई थी, थोड़ा जोर सी आवाज़ आता है, कोल्ड टाइप का एरिया था वहाँ पे, मतलब नीचे से आप कैसा बताऊँ आपको, वो ऐसा जगह था कुछ तो टकरा गई थी। बस गाइस मतलब इतना ही बोलना था, बाकी कि आगे की आप जो क्लिप्स है उनको देख के आप समझ ही जाएंगे कि किस टाइप का कुछ गाड़ी ने परफॉर्म किया, और साउंड वगैरह सुन के। तो भाई यहाँ पे आप देखेंगे कि इतने ज़्यादा ख़राब रोड पे जो अपनी एक हैचबैक कार है वो किस टाइप से निकलती है। तो ये देखो भाई, बहुत ही ज़्यादा शार्प टाइप का टर्न था, तो वहाँ से अपनी गाड़ी, पता नहीं आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि नहीं, कि कितनी ज़्यादा ख़राब है भाई। इस टाइप की रोड पे अपनी ग्रैंड आइटन निकल रही है, देखो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का, आगे तो और भी ज़्यादा ख़राब है भाई। ये देखो, कोई बोल सकता भाई कि ऐसी जगह पे, ये देख लो 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है इस गाड़ी में, और अभी तक दो तीन जगह टच हुई थी आते टाइम, अभी तो नहीं हुई है कहीं। बाकी आगे ये देख लो भाई, बिल्कुल कितनी ज़्यादा बेकार रोड से इधर तक। आगे भी भाई बिल्कुल मतलब क्या बताऊँ आपको, मैंने इसलिए सोचा कि क्यों ना वीडियो बना लिया जाए। तो भाई अभी हम रुके थे एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक के लिए,
यहाँ पे जंगल के बीच में थोड़ा मतलब यहाँ अच्छा छाव वगैरह थी। बाकी भाई रोड तो अभी तक आपने देखे ही होंगे कितनी ज़्यादा ख़राब रोड है, इस टाइप की कुछ यहाँ पर रोड है तो कम ही है भाई। अभी कई जगह पे तो ऐसी है कि मतलब रोड मतलब रोड तो कम ही है, ये मतलब ख़राब ज़्यादा है, रोड कम है। और भाई ऐसी रोड में अगर से मतलब सॉरी ऐसे जंगल में भाई बढ़िया रोड रह जाता ना तो ड्राइविंग, और साथ वाले में तो ड्राइव नहीं कर रहा था, साथ में बैठने वालों को भी भाई अलग ही मजा आता है। बिल्कुल भाई गाड़ी थर्ड सेकंड थर्ड में चलती है टोटल इधर, क्या माइलेज भी कम देगी। और भाई बिल्कुल देख सकते हो आप इस टाइप का कुछ रोड है, अभी आपने देख लिया होगा इसके पहले। और बाकी आगे और आपको बताऊंगा, आगे तो और ज़्यादा ख़राब है, ये तो थोड़ा ठीक ही था, हम एक टर्न से राइट कट गए थे तब से, बाकी उसके पहले का थोड़ा राइट। और भाई बाकी लोकेशन के बारे में बता दूँ तो भाई ये है एक मतलब बीजागोरा नाम का गांव था इधर एक, जिसमें जहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल होता है वहाँ पे हमको एक कोई ऑफिशियल काम था उसके लिए आए थे, तो उधर की रोड है भाई ये, इस टाइप की कुछ है। बाकी जंगल काफ़ी बढ़िया पड़ता है रास्ते में तो अच्छा लगता है थोड़ा। बाकी अब आपको और आगे का दिखाता हूँ मैं। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही है, अगर से मैं आपको इस गाड़ी के मतलब ओवरऑल दो वर्ड्स में अगर से बोल सस्पेंशन को, तो भाई सस्पेंशन इसका बहुत बढ़िया है। अगर से आप सिटी के हिसाब से कंसीडर करते हैं, जो सिटी के रोड्स में मतलब गड्ढे वगैरह होते हैं उसके लिए गाड़ी बिल्कुल बेस्ट है। और अगर से आप जैसे मैंने इस विलेज टाइप के एरिया में जंगल टाइप के एरिया में गाड़ी को लेके गया, तो ऐसी जगह में आपको सस्पेंशन में तो कोई उतना ज़्यादा मेजर ऐसा लगेगा नहीं कि इसका थोड़ा लो परफॉर्म कर रहा है। बाकी जो मैंने आपको बता दिया ग्राउंड क्लियरेंस इसका काफ़ी कम मिलता है, जिसके कारण ये गाड़ी काफ़ी जगह पर टच होने के चांसेस होते हैं, और सामने से तो भाई मतलब काफ़ी ज़्यादा ही नीची है, मतलब जो ग्राउंड क्लियरेंस मेन होता है वो बीच में से नापा जाता है, तो सामने से तो भाई काफ़ी नीची तो टकराते रहती है। तो उसके हिसाब से आप अगर से विलेज से बिलोंग करते हैं तो इस गाड़ी को मतलब सस्पेंशन वाइज आप अवॉइड कर सकते हैं, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस वाइज। बाकी भाई वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।